Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 9 Dusk of your class 6 New Mulberry English book. Video start करने से पहले मैं आप सबसे request करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे channel पे पहले बार आए हैं तो please मेरे channel को subscribe ज़रूर करिएगा और अगर आपको video से help मिलती है तो video को like भी ज़रूर करिएगा. So let's start the explanation. The chapter Dusk is written by साकी और साकी हेक्टर हग मुनरो एक राइटर हैं, उनका पेन नेम है यानी वो इसी नाम से लिखा करते थे. और ये जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है ये इसका इस वीडियो में इसका पार्ट वन है. पार्ट टू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. आर यू एन ऑब्जर्वेंट पर्सन, कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पिक्चर्स, देयर आर सिक्स ऑफ देम. तो क्या आप एक ऑब्जर्वेंट पर्सन हैं जो छोटे छोटे डिटेल्स को देख पाते हैं, समझ पाते हैं? तो ये आपके पास दो पिक्चर्स दी हुई हैं और उनमें आपको डिफरेंस बताना है कि एक पिक्चर और दूसरे पिक्चर में क्या डिफरेंस है. हेयर इज़ अ प्ले अबाउट अ मैन नेम नॉर्मन गॉड्सबाई हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन बींग ऑब्जर्वेंट. लेट अस रीड मोर टू फाइंड आउट इफ़ ही वॉज राइट अबाउट हिमसेल्फ. तो ये जो स्टोरी है हमें प्ले के फॉर्मेट में दिया हुआ है और ये कहानी नॉर्मन गॉड्सबाई के बारे में, जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो हर एक चीज़ की डिटेल को समझ सकता है. और हम इस कहानी में पढ़ेंगे क्या वो अपने बारे में ठीक था. कैरेक्टर्स, नॉर्मन गॉड्सबाई अ वेल टू डू जेंटलमैन. नॉर्मन गॉड्सबाई एक आदमी है जो कि बहुत ही अच्छे खासे हालत में है और वो बहुत ही अमीर जैसा है. हैरी क्रिस्पिन, नॉर्मन फ्रेंड. हैरी क्रिस्पिन नॉर्मन के दोस्त हैं. ओल्ड मैन, यंग मैन, और एक बूढ़ा आदमी और एक यंग आदमी. सेटिंग, हाइडी पार्क, लंदन. तो प्ले जो है उसकी सेटिंग की गई है हाइडी पार्क, लंदन में. सीन वन, पहला सीन है. द टाइम इज़ अबाउट 6:30 इन द इवनिंग. इट इज़ ग्रेजुअली गेटिंग डार्कर. साउंड ऑफ हॉर्स हूफ्स इन द डिस्टेंस स्लोली गेटिंग फेंटर. तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और घोड़ों के जो चलने की आवाज़ है वो दूर से आ रही है और धीरे धीरे वो आवाज़ कम होती जा रही है. अ बेंच सेंटर, तो स्टेज के सेंटर पे एक बेंच रखा हुआ है. नॉर्मन गॉड्सबाई हिज फ्रेंड हैरी क्रिस्पिन एंड एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द बेंच. तो बेंच में तीन लोग बैठे हैं, नॉर्मन गॉड्सबाई, उनके दोस्त हैरी क्रिस्पिन और एक बूढ़ा आदमी. व्हाइल गॉड्सबाई इज़ वेल ड्रेस्ड, द ओल्ड मैन हैज़ अ बीटन लुक अबाउट हिम. तो नॉर्मन गॉड्सबाई ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वो बूढ़ा आदमी जो है उसके जो कपड़े वो उतने अच्छे नहीं हैं. ही इज़ वेयरिंग एन ओल्ड वेल वॉर्न सूट. तो उस बूढ़े आदमी ने एक पुराना बहुत बार पहना हुआ सूट पहना है. एज गॉड्सबाई लुक्स एट हिम द मैन गेट्स अप फ्रॉम द बेंच एंड वॉकिंग स्लोली एग्जिट्स लेफ्ट. तो जैसे गॉड्सबाई उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं वो बूढ़ा आदमी उठ जाता है बेंच से और धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल जाता है. गॉड्सबाई टू क्रिस्पिन, देयर इज समथिंग रियली ट्रैजिक अबाउट द मैन. दैट सूट इज़ इन अ बैड कंडीशन. आई वॉन्टर वेयर ही इज़ गोइंग. तो गॉड्सबाई अपने फ्रेंड्स से कहते हैं कि इस आदमी के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, उसने जो कपड़े पहने वो बहुत बुरे कंडीशन में, मैं ये सोच रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है. मे बी अ बोर्डिंग हाउस हुज रेंट ही कैन बेयरली पे. यू कैन नॉट नो वॉट पीपल आर लाइक जस्ट बाई लुकिंग एट देम. शायद वो किसी बोर्डिंग हाउस का मतलब ऐसा जगह होता है जहाँ लोग रेंट देकर रह सकते हैं, वो वहाँ जा रहा है जिसका रेंट भी वो मुश्किल से पे कर सकता हो. आप लोगों के तरफ देख के उनके बारे में नहीं बता सकते. एज दे टॉक अ यंग मैन एंटर्स, सिट्स डाउन ऑन द बेंच, मटर्स टू हिमसेल्फ. हिज एक्शंस आर एग्जैजरेटेड, ड्रॉइंग अटेंशन टू हिमसेल्फ. जैसे वो बात कर रहे होते, एक यंग मैन की एंट्री होती है, वो भी आकर बेंच पे बैठ जाता है. वो अपने से बातें कर रहा होता है और उसकी जो हाव भाव थे वो इतने ज़्यादा एग्जैजरेटेड थे, यानी वो अपने तरफ अटेंशन को खींच रहा था. जैसे हम देखते हैं कि कभी कोई इंसान अपने तरफ अटेंशन अगर अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्शंस करता है. गॉड्सबाई रिस्पॉन्डिंग टू द मैंस ऑब्वियस नीड फॉर अटेंशन, यू डोंट सीम इन अ वेरी गुड टेम्पर. तो गॉड्सबाई ने उस आदमी के जो वो अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा था उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो. यंग मैन टर्निंग ईगरली टू गॉड्सबाई,
You wouldn't be in a good temper if you were in the fix I am in. I have done the silliest thing I have ever done in my life. तो वो यंग मैन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि वो गॉड्स भाई की तरफ तेज़ी से घूम जाता है और बताता है कि अगर तुम आप भी मेरे सिचुएशन में होते तो आप भी अच्छे कंडीशन में नहीं होते. मैंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा सिलियस्ट काम, जो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम है, वो कर दिया है. गॉड्स भाई इन अ डिसइंटरेस्टेड टोन, यस, ग्लांसेस साइडवेज एट क्रिस्पिन. गॉड्स भाई एकदम डिसइंटरेस्टेड टोन में, यानी ऐसे वो बोलते जैसे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है. बात तो उस यंग मैन की सुन रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्रिस्पिन की तरफ. यंग मैन, आई गॉट टू लंडन जस्ट दिस आफ्टरनून विद प्लान्स टू स्टे एट द पैटेगोनियन होटल इन बर्कशायर स्क्वायर. व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड इट हैड बीन पुल्ड डाउन सम वीक्स अगो एंड अ सिनेमा थिएटर वॉज कमिंग अप ऑन द साइट. तो वो यंग मैन बताता है कि मैं आज ही दोपहर को लंदन आया और मुझे पैटेगोनियन होटल जो बर्कशायर स्क्वायर में है वहाँ पे मेरा रुकने का प्लान था. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये पता चला कि वो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले बंद हो चुका है और उस जगह पे एक सिनेमा थिएटर खुलने वाला है. क्रिस्पिन ऑलमोस्ट स्माइलिंग, दैट मस्ट हैव कम एज अ शॉक. तो क्रिस्पिन मुस्कुराते हुए कहता है ये तो तुम्हें देखकर शॉक लग गया होगा. यंग मैन, यस इट वॉज, बट द टैक्सी ड्राइवर हु हैड टेकन मी देयर रिकमेंडेड अनदर होटल सम वे ऑफ. आई वेंट देयर एंड गॉट अ रूम. तो यंग आई मैन बताते कि हाँ, मुझे शौक तो लगा, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर जो मुझे वहाँ लेकर गया था उसने मुझे दूसरा होटल बताया और मैं अब वहाँ गया और मुझे एक रूम मिल गया. आई सेंट अ लेटर टू माई पीपल गिविंग देम द एड्रेस एंड देन वेंट आउट टू बाई सम सोप. मैंने अपने घर वालों को एक लेटर भेजा, उन्हें उस होटल का एड्रेस बताया और फिर एक साबुन खरीदने के लिए बाहर निकल गया. I had forgotten to pack any soap and I hate using hotel soap. मैं साबुन को पैक करना भूल गया था और मुझे होटल सोप का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है. Then I strolled about a little and looked at the shops. फिर मैं धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था और दुकानों की तरफ मैंने देखा. When I decided to go back to the hotel, I suddenly realized that I didn't remember its name or even what street it was in. तो जब मैं होटल की तरफ वापस जाने का मैंने सोचा तो मुझे अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना उस होटल का नाम याद है, ना ये याद है कि वो किस रोड में था. There is a nice situation for a fellow who hasn't any friends or connections in London. तो ये एक ऐसे इंसान के लिए बहुत बुरी कंडीशन है जिसके लंदन में ना कोई फ्रेंड्स है और ना ही कोई रिश्तेदार है. Crispin, well, that's a pity, but not such a desperate situation as you seem to think it is. All you have to do is to go to the nearest telegraph office and wire your people asking for the address. You did send them the address, didn't you? तो क्रिस्पिन बताता है कि हाँ, बुरा तो हुआ लेकिन इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हो गया जितना तुम उसे सोच रहे हो. तुम्हें बस इतना करना होगा कि पास के टेलीग्राफ ऑफिस में जाओ और वहाँ पे जो लोग हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनको तुम एक टेलीग्राम भेजो और उनसे पूछो कि वो तुम्हें एड्रेस भेज दें जो तुमने उन्हें भेजा था. यंग मैन, ऑफ कोर्स आई कैन वायर माय पीपल फॉर द एड्रेस, बट दे वोंट हैव गॉट माय लेटर टिल टुमारो. मीन टाइम आई एम विदाउट एनी मनी. तो वो यंग मैन बोलता कि हाँ, मैं तो अपने फ्रेंड्स को एड्रेस के लिए ज़रूर टेलीग्राम भेज सकता हूँ, लेकिन वो कल तक लेटर उन्हें तो मिलेगा नहीं और तब तक मैं बिना पैसे के कैसे रहूँगा. टर्न्स टू गॉड्स बाई हु हैज़ बीन साइलेंट फॉर अ वाइल नाउ. अब वो जो यंग मैन था वो गॉड्स बाई की तरफ घूम जाता है जो कुछ देर से चुप थे. आई लेफ्ट द होटल विथ ओनली अ शिलिंग ऑन मी विच आई यूज फॉर बाइंग द सोप. सो हेयर आई एम वॉन्डरिंग अबाउट विथ टू पेंस इन माई पॉकेट एंड नोवेयर टू गो फॉर द नाइट. तो वो बता रहा है कि मैंने होटल को छोड़ दिया, बस मेरे पास एक शीलिंग था. शीलिंग एक कॉइन का नाम है जो मैंने सोप खरीदने में यूज़ कर लिया और अब मैं इधर उधर भटक रहा हूँ. मेरे पॉकेट में सिर्फ 2 पेंस है और मेरे पास अब कहीं जाने के लिए, रात में कहीं जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है. गॉड्स बाई सेज नथिंग, ही सिट्स स्टेयरिंग साइलेंटली एट द यंग मैन. गॉड्स बाई कुछ भी नहीं कहते हैं और वो चुपचाप से बस उस यंग मैन की तरफ देखते रहते हैं. यंग मैन आफ्टर अ पॉज, आई सपोज यू थिंक आई हैव मेड द होल थिंग अप. तो यंग मैन कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि आप दोनों ये सोच रहे हैं कि मैं ये पूरी झूठी कहानी बना रहा हूँ.
crispin, still with the hint of a smile. No, not necessarily. I remember doing exactly the same thing once in a foreign city. तो क्रिस्पिन बोलते हैं अपने, अभी भी वो मुस्कुरा रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, और मुझे याद है कि हमने भी एक बाहर ही कंट्री में एक बार ऐसा ही किया था. देयर वर टू ऑफ अस विच मेड फॉरगेटिंग द नेम ऑफ आवर होटल इवन मोर रिमार्केबल. क्योंकि हम दोनों साथ थे तो जो होटल का नाम हमने भूला था वो, ये बात मुझे अभी तक याद रहती है. Luckily we remembered that it was on a sort of canal. When we got to the canal we were able to find our way back to the hotel. Remember that Norman? तो वो बता रहे हैं कि बस अच्छी बात ये थी कि हमें ये याद था कि वो एक कैनाल के तरफ था, और जब हम कैनाल के तरफ गए तो हमें होटल के तरफ अपना जो रास्ता है वो वापस मिल गया. तो Norman तुम्हें ये बात याद है? Young man eagerly. Oh, in a foreign city I wouldn't mind so much. One could go to one's embassy and get help there. Here in one's own country, it feels far more foolish to go about forgetting names. तो वो जो यंग मैन था वो एकदम तेज़ी से कहता, ओ आप जो ने जो नाम भूला था वो तो एक फॉरेन कंट्री था, और फॉरेन कंट्री में मुझे भी बुरा नहीं लगता, मैं तुरंत एम्बेसी जाके वहाँ से मदद ले लेता, लेकिन ये मेरा अपना कंट्री है और यहाँ पर मुझे किसी से जाकर मदद मांगना बहुत ही ज़्यादा फुलिश लग रहा है, लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे. अनलेस आई कैन फाइंड सम डिसेंट चैप टू बिलीव मी एंड लेंड मी सम मनी आई विल प्रोबेबली हैव टू स्पेंड द नाइट आउट इन द ओपन. एनी वे आई एम ग्लैड यू डोंट थिंक आई एम टेलिंग यू एन इम्पॉसिबल टेल. तो वो कह रहा है कि मुझे बस ऐसा हो जाए कि कोई एक अच्छे लोग मिल जाए जो मेरी कहानी पे यकीन करें और मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, और इससे मुझे रात में खुले में नहीं सोना पड़ेगा, और जो भी हो आप, मुझे खुशी है कि आप ये नहीं सोच रहे कि मैं आपको एक झूठी कहानी सुना रहा हूँ. गॉड्स बाई स्लोली. ऑफकोर्स द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज डैट यू कॉन्ट प्रोड्यूस द केक ऑफ सोप. गॉड्स बाई धीरे से कहता है कि हाँ, तुम्हारी कहानी का सबसे कमज़ोर हिस्सा यही है कि तुम्हारे पास साबुन का टुकड़ा नहीं है. द मैन सिट्स अप, फील्स थ्रू द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट एंड जंप्स टू हिज फीट. वो आदमी खड़ा हो जाता है और अपने ओवरकोट के पॉकेट पे ये अंदर हाथ डाल के चेक करता है. यंग मैन विद ऑब्वियस एंगर, आई मस्ट हैव लॉस्ट इट. अब वो गुस्से में कहता है कि मैं ज़रूर उसे खो चुका हूँ, वो गुम हो गया है. क्रिस्पिन लाफिंग नाउ, यू लॉस्ट योर होटल एंड अ केक ऑफ सोप इन द सेम आफ्टरनून लुक्स लाइक एक्सट्रीम केयरलेसनेस टू मी. क्रिस्पिन हंसते हुए कहता है कि आज ही के दिन तुमने होटल भी गुम हो गया, तुमसे साबुन का जो टुकड़ा था वो भी गुम हो गया, मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस दिखते हो. द मैन लुक्स अवे एंड देन अडॉप्टिंग अ कॉन्फिडेंट पोस्चर वॉक्स ऑफ राइट. क्रिस्पिन इज स्टिल लाफिंग. गॉड्स बाई इज मोर रिस्प्रेंड एंड स्माइलिंग सॉफ्टली. तो वो आदमी इधर उधर देखता है, उसके बाद अपनी चाल सीधे करते हुए राइट की तरफ निकल जाता है, और क्रिस्पिन जो है वो अभी भी हंस रहा है, और गॉड्स बाई जो है वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.